हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे। तो आज इस खूबसूरत वेदर के साथ और इतने अच्छे व्यू के साथ आप सबको गुड मॉर्निंग। तो आज है मंडे। एक्चुअली यहाँ पे लॉन्ग वीकेंड चल रहा है, लेबर डे वीकेंड, राइट? सो लेबर डे वीकेंड चल रहा है एंड 3 दिन की छुट्टी होती है, जैसे नॉट 3 दिन, 1 दिन। जैसे मंडे को आया लेबर डे वीकेंड, तो इट्स सैटरडे, संडे और मंडे। सो 3 दिन की छुट्टी मिल जाती है एंड दिस इज़ द लास्ट, ये लास्ट वीकेंड है। इसके बाद कब आता है डायरेक्ट वैकेशन? हाँ, इसके बाद डायरेक्ट थैंक्स गिविंग आएगा। उसके मतलब समर के लिए ये लास्ट सीजन है समर का। आपको समर में कोई जगह एक्सप्लोर करनी होगी तो इसके बाद डायरेक्ट नवंबर में थैंक्स गिविंग, तभी विंटर शुरू हो जाता है। सो आज का लास्ट है समर का घूमने के लिए। सो थोड़ा बिजी थे। अभी गणेश उत्सव भी आने वाला है नेक्स्ट वीक, सो बहुत अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून। तो उसकी डेकोरेशन सामान एंड एवरीथिंग, तो इसके लिए वीडियो में नहीं कहीं जा नहीं पाए। बट आज हमने सोचा कि एक लेक, एक ब्यूटीफुल सा बीच है, उसको एक्सप्लोर करें। सो वहीं पे आए हैं। सो ये लेक वॉशिंगटन है। लेक बोलिए, बीच बोलिए, सब वैसे ही दिखता है, तो बीच टाइप भी बना लिया है। तो वहीं पर आए हैं, डाउनटाउन में है, पास में ही है। तो सोचा कि चलो कुछ एक्सप्लोर कर लेते हैं। आज का लास्ट, छुट्टी का लास्ट दिन है। कल और परसों ऐसी डेकोरेशन और वो सब में निकल गया, तो बहुत सारी तैयारियां गणेश उत्सव की हो गई है, नेक्स्ट वीक में है। सो आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड, इस बार अच्छे से कुछ करने वाले हैं एंड आई विल डेफिनेटली शेयर द वीडियोज एंड मैं व्लॉग्स बनाऊंगी डेफिनेटली। तो अभी चलते हैं, फिलहाल के लिए इस बीच प्लस लेक को एंजॉय करते हैं। ये लेक वॉशिंगटन, राइट? या सो ये लेक वॉशिंगटन है, तो बहुत अच्छा वेदर है, बहुत ही अच्छा। सो चलिए, बिल्कुल ठंडा नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। सो पीछे ये एक्चुअली लेक है, बट इसको बीच भी बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे प्रॉपर ऐसे बीच नहीं है। सो अच्छा सा है वीकेंड स्पेंड करने के लिए एंड वेदर बहुत अच्छा है। और पीछे आप देखते हैं, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, पीछे डाउनटाउन है, बेलव्यू डाउनटाउन, राइट? या सो बेलव्यू डाउनटाउन है, तो अच्छा सा स्काईलाइन टाइप दिखता है यहाँ पे, बहुत सुंदर है। सो आज का प्लान है कि 2-3 जगह यहाँ पे, डाउनटाउन में काफ़ी सारी जगह है, तो ऐसी 2-3 जगह एक्सप्लोर करेंगे। क्योंकि आज कुछ नहीं है, एज सच कोई प्लान टास्क नहीं है, सब अनप्लान हम जाएंगे, जो भी आसपास होगा वो एक्सप्लोर करेंगे। सो यहाँ से ना, तो यहाँ से आपको ऐसी बाइक्स मिलती है, साइकिल को यहाँ पे बाइक बोलते हैं, तो ऐसी बाइक्स मिलेंगी आपको डाउनटाउन में, डाउनटाउन घूमने के लिए। बहुत बड़ा होता है डाउनटाउन, तो यूजुअली लोग वॉकिंग प्रेफर नहीं करते, यहाँ पे बाइकिंग करना प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे आप रेंट कर सकते हो, इनके स्टॉप्स होते हैं वहाँ पे, आपको ये बाइक्स मिल जाएंगी, इन्हें आप रेंट कर सकते हो। इस आई थिंक कुछ बेसिक सा अमाउंट होता है पे करके, आपको आर्ली बेसिस पे मिलती है, तो विच इज़ ग्रेट। तो हर डाउनटाउन में, यूएस में मोस्टली, ऑस्टिन में क्या, या जितने भी डाउनटाउन हमने यहाँ पे देखे, तो वहाँ पे हर जगह पे आपको ये बाइक्स मिलेंगी, या तो आर्ली बेसिस पे मिलती है। बट मज़ा आता है डाउनटाउन घूमने के लिए, आपको इतना सारा चलना नहीं पड़ता, बट आप बाइक से घूम सकते हो। सो ये उसी के पास में एक पार्क है, एकदम ही पास में, 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे था, तो वहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ से आपको डाउनटाउन दिख रहा है, देखिए क्लियरली, तो पीछे दिख रहे हैं वो वहाँ पे, या सो दैट इज़ अ डाउनटाउन। तो ये भी एक छोटा सा पार्क है, तो यहाँ पे भी ट्रेल है, आप वॉक कर सकते हो, और बाद साइड में बीच या लेक जो भी है तो वो है, और बैठ भी सकते हो आराम से। सो आज का प्लान यही है कि यहाँ पे बैठ के हम लोग लंच कैरी किया हुआ है, तो आराम से व्यू के साथ यहीं पे लंच करेंगे एंड देखते हैं और भी क्या क्या एक्सप्लोर करने जैसा है। सो अभी थोड़ा सा वॉकिंग करते हैं। बहुत ही सुंदर है, देखिए कितनी बड़ी सी स्काईलाइन दिखती है पूरी आपको वहाँ से। सो ट्रेल पे हम लोग वॉकिंग कर रहे थे, और ऑन द वे देखिए पीछे ये सारे हाउसेस है बिल्कुल बीच लेक के सामने, और कितने सुंदर है। देखिए मेरे पीछे वाला ये हाउस बिल्कुल यूरोप का जैसे आर्किटेक्चर होता है वैसा ही है, तो बहुत ही सुंदर है। लाइन में पूरे हाउसेस है, ऑफ कोर्स ये बहुत एक्सपेंसिव होंगे, बट कितना सुंदर व्यू है उनको, उनकी विंडो से इतना अच्छा सा व्यू उनको दिखता है, तो या और पीछे ये ऐसा है। सो अभी यहाँ पे जा रहे हैं, देखते क्या है।
और यहाँ से आई थिंक आपको अच्छी सी स्काई लाइन दिखती है। ये कितना सुंदर दिख रहा है डाउन टाउन, बहुत कुछ दिखेगा। बहुत ही परफेक्ट सा वेदर है आज, लाइक बीच या कहीं भी जाने के लिए बिल्कुल। बहुत ऐसा टू मच सन आता है, बहुत सनी नहीं है और ठंडी भी नहीं है, बिकॉज विंटर्स में अगर आप ऐसी जगहों पे आओगे तो बहुत सारी ठंडी ब्रीज आती है, यहाँ से पानी बहुत ठंडा होता है, तो बहुत ही अच्छा सा वेदर है। आप यहाँ पे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे ना फिशिंग का शौक बहुत रहता है लोगों को। स्टार्टिंग में जब मैं आई थी तो थोड़ा वियर्ड लगा था, बिकॉज फिशिंग इज कंसिडर्ड एज अ हॉबी यहाँ पे, वो भी एक हॉबी का पार्ट है। जैसे हमने आज तक फिशिंग ज़्यादा नहीं सुना था इन इंडिया, बट यहाँ पे राइट, यहाँ पे फिशिंग का लाइक अलग ही लेवल का शौक रहता है लोगों को, एंड दे रियली डू इट गुड। लाइक देखा है हमने कितने सारे फिश कैच कर लेते हैं, मतलब बहुत प्रोफेशनल होते हैं ऑफकोर्स, बट बहुत सारे आपको बीच पे या लेक पे हर जगह पे ऐसे दिखेंगे। फिशिंग यहाँ पे वेरी कॉमन है, लाइक कोई भी ऐसा नॉर्मल इंडिया में यूजुअली ऐसा नॉर्मली हम लोग सब नहीं करते थे, सर्टन ग्रुप वो ही करते हैं, बट यहाँ पे ऐसे कोई भी लाइक हर एक को शौक होता ही है फिशिंग करने का। तो यहाँ पे आपको कायाक या फिर बोट आप रेंट कर सकते हो, बट बहुत ही सुंदर सा एरिया है। देखिए पीछे कितना सुंदर है, वो बोट हाउस है और देखिए बहुत सुंदर है, और पीछे घर है। बहुत एक्सपेंसिव होंगे राइट, यहाँ पे सुपर रिच लोग रहते होंगे, बट बहुत सुंदर एरिया। यहाँ पे वापस आएंगे हम लोग, लाइक सिएटल में रह के हम लोग ने काफ़ी लाइक पहली बार ही इस जगह पर आए हम लोग, बट यस इट्स वेरी ब्यूटिफुल। पीछे बीच है छोटा सा किड्स को खेलने के लिए, एंड आपको अगर ट्रेल पे वॉक करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। सो और इतने और ऊपर पार्क भी है तो वो भी अच्छा है। सो बहुत सारा कुछ करने के लिए है, और यहाँ पे आके आप रिलैक्स कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम हमारा प्लान है कि बोटिंग या कुछ करें ऐसा, आज हम लोग प्रिपेयर करके नहीं आए थे तो इसलिए आज नहीं करें, बट नेक्स्ट टाइम येस फॉर श्योर। और चलने के लिए भी अच्छा है, आप वॉक करके आराम से एक आध घंटा यहाँ पे ही आके आराम से बैठ सकते हो, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। और ऐसा वेदर के लिए आई थिंक दिस इज़ परफेक्ट। विंटर्स में शायद ठंडा लगेगा बिकॉज पानी ठंडा होता है, बट समर्स के लिए परफेक्ट है। कल हम लोग आए और काफ़ी लेट हो गया, तो मैं वीडियो एंड करना रह गया मेरा, और मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि ओह मैंने तो वीडियो एंड ही नहीं किया। सो एनीवेज गाइस, बहुत अच्छा दिन था कल का, कुछ प्लान नहीं था, अनप्लान था, तो भी बहुत मज़ा आया। जो भी जगह देखी बहुत अच्छी लगी, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी वो दिन, ये दिन हमारे साथ एंजॉय किया होगा। अगर आपने ये दिन एंजॉय किया है या इस वीडियो में से, इस व्लॉग में से कुछ भी अगर आपको अच्छा लगे, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड आई सी यू गाइस सून विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर।